नमस्कार, मैं हुडीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया है। अपने दोस्त चीन की कंपनी बाइट डांस के वीडियो शेयरिंग ऐप को पाक ने अश्लीलता फैलाने के चलते ब्लॉक किया है। गौरतलब है कि भारत ने जून में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने साफ किया है कि उसने सुरक्षा नहीं संस्कृति के लिए फैसला किया है। इस फैसले के बारे में एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि बार बार अनैतिक और असभ्य कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए प्रक्रिया तैयार करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी अथॉरिटी को संतुष्ट नहीं कर सका। इसके बाद पाकिस्तान में टिकटॉक ब्लॉक करने का फैसला किया गया। जुलाई में ही पाकिस्तान ने टिकटॉक के इसके लिए चेतावनी दी थी। पाकिस्तानी सूचना मंत्री शिबली फराज ने बताया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान एक दो बार नहीं बल्कि 15 बार इस मुद्दे पर उनसे बात कर चुके हैं। उन्हें इस ऐप से डेटा सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, बल्कि वे देश में तेजी से फैल रही अश्लीलता के कारण टिकटॉक समेत कई ऐप्स पर बैन लगाने पर विचार कर रहे थे। शिबली ने कहा था कि इमरान खान का ज्यादातर समय यूरोप और अमेरिका में बीता है, इसके बावजूद वे पाकिस्तान की संस्कृति को लेकर चिंतित हैं। वे फिर से हमारी संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम इमरान चाहते हैं कि जिस तरह तुर्की और ईरान में टीवी चैनलों के प्रसारण पर सरकार का अधिकार है, वैसी ही व्यवस्था पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।